सभी का प्रगति विज्ञान संस्था के YouTube चैनल विज्ञान आओ करके सीखने में। आओ मुख्य बात साइंस को समझने के लिए प्रयोग के द्वारा करके, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो गणित हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जब ज्यामिति और कोऑर्डिनेट को समझने की कोशिश करते हैं, ये कोई भी चीज है तो पहले चित्र बनाते हैं हम, तब चीजें समझ में आती है अगर हम याद करना चाहते हैं। तो ऐसे ही अगर आप प्रयोग को करके देखेंगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा कि क्या है। ऐसे ही कुछ जादुई चमत्कार है मेरे पास, उनके सवाल भी आपके पास होंगे। और इस चलनी और ये एक गिलास है और एक बच्चा आ जाओ या कोई भी जो एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट रखता हो साइंस, कोई भी लड़का लड़की कोई भी है। यस, क्या नाम है आपका? सिखा लहरिया। इसको कहाँ रखें जो दिखाई दे जाए? अच्छा एक बात बताइए, इसमें से अगर हम पानी को उल्टा करें तो गिर जाएगा? जो नो बोला वो आ जाओ पहले। यस, आप ये कह रही है कि पानी नहीं गिरेगा इसमें से, क्या हुआ? नहीं, तुमने कहा कि छलनी में से पानी नहीं गिरेगा, आप इसी बात से सहमत हो तो पानी डालें तो गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। ये देखो इसका मतलब छलनी ठीक है, इनके पास भी वो शक्ति है जो मेरे पास है, जो बाबाओं के पास होती है वो भी हमारे पास भी है। जरा इसको करके दिखाओ कि पानी गिरेगा नहीं। चलिए ये कह रही है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो। चलिए अब ये कह रहे हैं ऐसे करो, अब मैं क्या करूं? अब पानी नहीं गिर रहा ना, उल्टा कर दूं ऐसे। ये देखिए अभी क्या है कि मैं इसे सपोर्ट दे रहा हूं, है ना? इसको मैं अगर ऐसे करूं, अरे हथेली लगा लेके गिर कैसे आएगा यार? अभी जो है मैं इसको हाथ को हटा लूं तो क्या होगा, पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा? कितने बच्चे हैं जो गिरेगा कहे और कितने जो नहीं गिरेगा? आपको हटाऊंगा बेटे, पानी है ना इसमें, ये छन्नी है ना, देखो कुछ हमने प्लेट तो नहीं लगा रखी प्लास्टिक, फिर भी पानी रुका हुआ है। अब ये बताइए कि ये पानी गिर क्यों नहीं रहा नीचे, और अभी जब ये कर रहे थे तो गिर रहा था, तो चमत्कारी बाबा हो गया ना। कोई एक बच्चा अब ये बताओ कि ये पानी गिर क्यों नहीं रहा छन्नी से? यस आ जाओ। आपने पहले हथेली रखा इसमें, पानी हथेली का ग्लास का पानी हथेली पे गया, और ये जो है छन्ना पत इसका छन्ना का जो है वो रंगे तो पानी के कारण बंद हो गया, इसमें ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं हुआ इसी कारण नहीं था। यानी जिस चीज में ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं होता, सुन लो इसका साइंस, सुन लो इसका विज्ञान, जिस चीज में ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं होता वहां पर ट्रांसपेरेंसी और छलनी बंद हो जाती है, है ना? इनका कहने का यही है मानना। लेकिन जब इंसान मरता है तो उसके कान में और नाक में रुई ठूसते, वहां भी तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, फिर क्यों लगाई जाती है वो? उसका विज्ञान कुछ और है, उसका क्रियाक्रम का वो नियम है, क्रियाक्रम का नियम है, ये भी गलत है। अच्छा चलिए, कोई टीचर्स जो मेरी मदद करें। यस बेटे, हाँ आजम दौड़ गया। हाँ बोलो सर। छन्नी में ना पानी की परत बन गई है आपके हथेली की वजह से। हथेली की वजह से परत बन गई है, और हथेली फिर मैंने हटा दी तो फिर कोई भी खड़ा हो सकता उसमें। परत से नहीं, इसके पीछे विज्ञान को समझाने के, 8th क्लास में तुम्हारे सिलेबस में है, 9th में भी है, फिर मैं एक शब्द बोलूंगा एकदम समझ में आ जाए, आपके सिलेबस का पार्ट है भाई ये छन्नी,
इसके अंदर खाली भी है थोड़ा सा, नीचे लेयर बन गई है, लेयर के और उसके बीच में गैस हवा नहीं, ठीक बात है, ये ऑक्सीजन के अलावा से मैं हवा गया। लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी है, अगर आप सीरिंज को वैक्यूम बन जाए ना, अगर हम इसकी जगह प्लास्टिक का कागज लें और इसमें ऊपर छेद कर दें, ऊपर छेद कर दें तो सारा पानी नीचे, लेकिन ये बंद है, एयर टाइट है, वैक्यूम बना हुआ है, वो पानी को नीचे नहीं आने दे रहा, और नीचे का जो एटमॉस्फेयर है, प्रेशर है, वो इसे ऊपर को दबाव डाल रहा है, जो कि 1500 किलोग्राम। तो ये प्रेशर का कमाल है, एयर प्रेशर की वजह से ये पानी, क्योंकि वैक्यूम बना हुआ है और वो ऊपर को खींचने दे रहा और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है इस वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी एक चीज और है, इसके बीच में जो लेयर बनी है उसमें वहां भी गैप है, खत्म हो गया है, उसके सारे जो मॉलिक्यूलर्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उन्होंने स्पेस को कवर कर लिया है, इसलिए ये पानी नहीं गिर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें जगा देंगे हवा जाने की, हवा घटाई है, हवा जाने की देंगे तो वो जो प्रेशर एक्यूप्रेशर बना हुआ है यहाँ पर वैक्यूम, तो वो खत्म हो जाएगा। आप जरा सा इसे गिलास को हिलाओ तो एकदम गिर जाएगा पानी, गिर गया ना। थैंक यू। प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।